हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने मोबाइल स्क्रीन का केवी या पिक्सल बढ़ा लें। उसके बाद अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाला घंटा दबाइए, क्योंकि मैं जानकारी देता हूं कुछ इस तरह का, जॉब रिलेटेड ब्लॉग बनाता हूं, जानकारी से रिलेटेड टूरिस्ट प्लेस का और साथ ही करेंट अफेयर्स का। तो चलिए आज का नोटिस शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, भारत सरकार डाक विभाग का, ठीक है। तो ये झारखंड परिमंडल रांची का है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं लाइन से। डाक विभाग आयु सीमा 18 तक और 18 वर्षों से अधिक आयु वर्ग के प्रतिभागियों को राष्ट्रीय पत्र लेखन अभियान में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है, ठीक है। ये पत्र लेखन राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। और या चलिए आगे देखते हैं, यह अभियान 30 नवंबर 2019 तक चलेगा, ठीक है। किस विषय पर लिखना है तो देख सकते हैं, प्रिय बापू आप अमर हैं, ये विषय पर लिखना है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, पहला नंबर में क्या लिखा हुआ है। यह पत्र मुख्य डाक महाअध्यक्ष झारखंड परिमंडल मेघदूत भवन डोरंडा रांची 8340-02 में जमा करना है को संबोधित करते हुए इंग्लिश हिंदी स्थानीय भाषा में लिखा जा सकता है, ठीक है। आप इंग्लिश में लिखें या हिंदी में लिखें या स्थानीय भाषा में लिखें, तो लिख के आपको मेघदूत भवन डोरंडा रांची 8340-02 में जमा करना है, ये डाक विभाग में, ठीक है। दूसरा नंबर पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। लिफाफा वर्ग में A4 माप के सादे कागज में शब्द सीमा 1000 तक, ठीक है। तथा अंतर्दर्शीय पत्र श्रेणी में शब्दों की मात्रा 500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब तीसरा में देख सकते हैं, डाक लिफाफा या अंतर्दर्शीय पत्र का इस्तेमाल मानक लेखन सामग्री के रूप में किया जा सकता है, ठीक है। अब चौथा नंबर में देख सकते हैं, यह प्रतियोगिता सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए है जिन्हें दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो ए में लिखा हुआ है 18 वर्ष आयु वर्ग तक अंतर्दर्शनीय पत्र श्रेणी, दूसरा लिफाफा श्रेणी, फिर जो 18 वर्ष आयु वर्ग से ऊपर, जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं जैसे 19-20 और जो 17-18 साल के वो ए नंबर है और बी नंबर 18-19-20 वाले के लिए, ठीक है। अंतर्दर्शनीय पत्र श्रेणी लिफाफा श्रेणी, ठीक है। अब पाँचवें नंबर पे देख सकते हैं, पत्र लेखन का स्वयं ही डाकघर जाकर पत्र पेटी में पत्र डालना होगा, आपको स्वयं ये लिख के पत्र, ये आपको पत्र लेखक को डालना है डाकघर के पत्र पेटी में, ठीक है। अब छठा नंबर पर देख सकते हैं, पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2019 है, इस तिथि के बाद के भेजे पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है, साफ साफ लिखा है। तो आगे देख सकते हैं सातवां नंबर पर, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर चयनित प्रतिभागियों को निम्नलिखित पुरस्कार राशि देने का प्रावधान है। तो राष्ट्रीय स्तर पर देख सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर चयनित प्रतिभागियों को मिलने वाली पुरस्कार राशि, प्रथम पुरस्कार देख सकते हैं प्रत्येक वर्ग के लिए 50,000 है, ठीक है, ये राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगा। बी में 25,000 ये द्वितीय पुरस्कार के लिए, फिर राष्ट्रीय में तृतीय पुरस्कार के लिए 10,000। अब चलिए दूसरा नंबर में देखते हैं, सेवन के दूसरा में राज्य स्तर पर कितना मिलेगा। प्रथम ये में देख सकते हैं, प्रथम पुरस्कार 25,000 राज्य स्तर में मिलेगा, द्वितीय 10,000 और तृतीय 5,000, ठीक है। अब सूचना देख सकते हैं, प्रतिभागियों को उनके आयु को सत्यापित करते हुए एक प्रमाण पत्र जमा करना होगा, जैसा कि मैं सत्यापित करता या फिर करती हूँ कि मैं 18 वर्ष से कम या अधिक उम्र की हूँ, पहचान पत्र के साथ, जैसे कि आपको 10 का एडमिट कार्ड देना हो सकता है या फिर स्थानीय निवासी के में जो ये ब्लॉक द्वारा बनाया जाता है प्रमाण, ये जन्म प्रमाण पत्र वो दे सकते हैं, और साथ ही ये आधार कार्ड भी दे सकते हैं जिसमें जन्मतिथि लिखा हो, ठीक है, या फिर कोर्ट के द्वारा सत्यापित करके। तो ठीक है, आप अगर इसमें हिंदी में नहीं समझ पाए तो चलिए इंग्लिश में नोटिस दिखाता हूँ। तो इंग्लिश में लिखा हुआ देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सेम है, सिर्फ इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया, ठीक है।
तो जिसको समझ नहीं आया होगा हिंदी, वो अपना इंग्लिश पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, वीडियो रोक के देख लीजिएगा। सब कुछ वही है, सिर्फ ट्रांसलेट कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं या फिर देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और जिसे भी ज़रूरत पड़े उनको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।